मरने वाली जो यहाँ से चल बसी है वो खुद बयान दे के मरी है, तो आप इसको आरोप कैसे बोल रहे हैं? वही तो प्रशासन एक तरफ कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं बयान दे रहे, क्या हुआ? वही सच्चाई जानना चाह रहे हैं ना हम आपसे, सच्चाई आपके पास है, सच्चाई जानने। प्रशासन की बात हम रख रहे हैं और आपकी भी बात रख रहे हैं, आपसे अगर कोई पैसा लेगा तो क्या आप कीजिएगा, उसको जान से मार दीजिएगा? नमस्कार, द भिजी 24 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं शंकर कुमार। इस वक्त हम पहुंचे हैं पीरपैंती पंचायत में पहुंचे और छोटी दिलोरी गांव है जहां नीलम देवी की हत्या किया गया था, उसके घर पे पहुंचे हैं। देखिए यही घर है, जरा दिखाइए नीलम देवी की। यहां हम घर पे पहुंचे हैं, उस घर पे हम बातचीत करेंगे यहां के जो उसका पीड़ित परिवार हैं। हम देखिए यहां पे बहुत सारे आदमी भी हैं, देख रहे हैं उसकी बेटी हैं, उनकी बेटी से भी बात करेंगे कि क्या मुद्दा था, क्या मामला हुआ था। पूर्ण रूप से जानेंगे कि एक श्रद्धा थी दिल्ली में जो 35 टुकड़ा किया गया था, आज वही कांड भागलपुर में वही मामला फिर से यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ पे भी 10 टुकड़ा किया गया है इस नीलम देवी को, उसकी बेटी है। हम उनसे पूरी सच्चाई जानेंगे क्या पूर्ण रूप से मामला था, हम जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? नीतू कुमारी। कैसे, क्या मामला था, इतना मतलब कि इस तरह से हुआ है कि आपकी मम्मी को लेके काफी आदमी जो देखते हैं वो गमगीन हो जाते हैं इस तरह का समाचार सुन के, क्या पूरा मामला है बताइए। सर देखिए, मामला सबको पता है, हर न्यूज हर चैनल को भी पता है कि मामला क्या है। मैं मामला पे नहीं जाना चाहती हूँ, बस इतना मामला पे जाना चाहती हूँ कि मेरी मम्मी चल बसी है, मेरी मम्मी अब कितनों रोएंगे, कितनों गिड़गिड़ाएंगे, तो मेरी मम्मी आपस आने वाली नहीं है। जो अभी बचा है, जो इस खतरा को अंजाम दिया है, और ये दिया खतरा को अंजाम, ये शकील मियाँ दिया है। क्या मतलब, क्या सच्चाई वो बताइए ना, क्योंकि पब्लिक जानना चाहते हैं, आपके पास आए हैं। हर न्यूज हर चैनल पे ये लायक हो गया, और मतलब हर न्यूज हर चैनल को पता है, तो आपको बताएंगे क्या? सिर्फ हम यही बताना अभी चाहते हैं कि मेरी मम्मी चल बसी है, और जो अभी बचा है शकील मियाँ, उसको 10 से 15 दिन के अंदर फांसी दी जाए। बस क्या लगता है कि फांसी मिलेगा? हमको पूरी विश्वास है कि मिलेगी। प्रशासन तो एक उधर देख रहे हैं कि प्रशासन नॉर्मली वे में क्लेम लगा रहे हैं। प्रशासन अपना ड्यूटी कर रहा है, हम भी 2 दिन अपने घर में ड्यूटी करेंगे, इसके बाद मेरे मन में जो आएगा हम करेंगे। लेकिन एक तरफ वहां प्रशासन बोल रहे हैं कि शकील और नीलम देवी के कुछ प्रेम प्रसंग का मामला था। आप प्रशासन को ही बोल दीजिए कि मेरे घर पे आके बयान ले। प्रशासन को आप अपने न्यूज से प्रशासन तक पहुंचाइए, और उसको बोलिए कि वो मेरे घर पे आए, और अपने घर मेरे घर पे आके वो खुद जाने की कोशिश करे, क्योंकि हम सुबह से बताते मेरा ना दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है नीतू जी, लेकिन एक तरफ हम भी इतना दूर से हैं, क्योंकि हम पब्लिक हैं, जो दर्शक हैं सब जानना चाह रहे हैं, हम आप इतना दूर से आपके पास आए हैं, अगर उस चीज़ को व्याख्या कीजिएगा तो जहाँ से हर जगह से जैसे हमारे जैसे बहुत सारा पत्रकार आए होंगे, तब आपका ये जो हाईलाइट हुए हैं, आपका मामला हुआ है, हाईलाइट हुआ है, और आपको न्याय मिलेगा, ये 100% है न्याय मिलेगा। लेकिन मामला को पूर्ण रूप से नहीं व्याख्या कीजिएगा, कैसे चलेगा, कैसे? अगर हम ही लोग आवाज़ उठाएंगे, हम लोग आए हैं, कोई आवाज़ उठाया तब आपके पास हम आए, ऐसा नहीं है कि कोई आप आवाज़ उठाए और आपका आवाज़ हम लोग की तरफ पहुंच गया। आरती छोटू का मामला था, शारदा का मामला था, उस टाइप से आया तब ना, वो प्यार में बदला हुआ है, मेरी माँ उस तरह नहीं थी। तो वही ना, आप एक तरफ कह रहे हैं कि आरती और छोटू उसका बात कुछ और है, और मेरे घर को लेकर उसका बात कुछ और है, समझे ना? आरती छोटू का वही वही जो मामला जो आ रहा है, तो वही आ रहा है, आप उसको खोल नहीं रहे हैं। हम खोल रहे हैं और खोल के बता भी दिए। आप शकील मियां पे आरोप लगा रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ था, वही पूछना चाह रहे हैं। आरोप, आप इसको आरोप बोल रहे हैं क्या? वही ना, आरोप आप कैसे बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमको बताइए। जो मरने वाली जो यहाँ से चल बसी है वो खुद बयान दे के मरी है, तो आप इसको आरोप कैसे बोल रहे हैं? वही तो प्रशासन एक तरफ कह रहे हैं आरोप लगा रहे हैं, आप बोल रहे हैं बयान दे रहे, क्या हुआ? वही सच्चाई जानना चाह रहे हैं ना हम आपसे, सच्चाई आपके पास है, सच्चाई जानने। प्रशासन की बात हम रख रहे हैं और आपकी भी बात रख रहे हैं, आपसे अगर कोई पैसा लेगा तो क्या आप कीजिएगा, उसको जान से मार दीजिएगा? तो आप वही तो कह रहे हैं कि मतलब 4 लाख रुपया लिए थे आपके शादी के लिए। मेरी शादी हो चुकी है क्या? वही ना, तो बताइए ना हमको,
कोई पैसा नहीं लिया गया था, नहीं इस सब का बात है, नहीं पैसा लिया गया था। और जो अभी के न्यूज में दिखा रहा है कि चैन वगैरह वगैरह, मेरी मम्मी चैन पहनती ही नहीं थी, और वो उसका औकात क्या है जो मेरी मम्मी को 4 लाख रुपया देगा? क्या औकात है? उसके घर में करता कौन क्या है? चोरी डकैती करता है, क्रिमिनली करता है तो खाता है, वो 4 लाख रुपया कहाँ से देगा? अगर 10,000 अभी के डेट में अगर हमको कोई देता है तो उसका स्टाम्प बनता है, उसके पास क्या स्टाम्प है आप उससे पूछिएगा।